संसार में ऐसे लोग अनेक हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि हम जी रहे हैं और बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं। मकान है, दुकान है, पैसा है, गाड़ी है, पर हकीकत में देखा जाए तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही अर्थों में जीते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अंतकाल में पता चलता है कि उनके पास अनमोल अवसर था पर गंवा दिया, नहीं तो मरते दम तक भी पता नहीं चलता कि हमने अवसर गंवा दिया। मर रहे हैं, अब आखिरी श्वास ले रहे हैं, तब भी ये नहीं होता कि हमने जीवन गंवाया, तब भी बेटा बेटी को याद करके रोते रहते हैं, क्योंकि जिसको अपना माना वो छूट रहा है और जो अपना है उसकी खबर नहीं। जो छूटने वाला था उसी में सत्य बुद्धि की, और जो सत्य था उधर आंख नहीं उठाई। तो बहुत कम लोग हैं जो अंतकाल में भी जान पाते हैं कि अनमोल अवसर गंवाया। उनके भीतर ईश्वरीय सत्ता काम कर रही थी, दुनिया में लोगों का असंतोष दुनिया की चीजों पर ही पूरा हो जाता है। लोग उन चीजों से असंतुष्ट हैं जिनका असंतोष संसार में और गहरा ले जाता है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, असंतोष बाहर की चीजों में। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अपना मकान नहीं है, किराए के मकान में रहता हूं, तो दुनिया की चीजों में असंतोष और अधिक संसार में गहरा ले जाता है। पर लोग उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति असंतुष्ट नहीं है जो कल्याणकारी है, कि अभी तक मुझे भक्ति क्यों नहीं मिली, अभी तक मेरा छूटने वाले संसार से और शरीर से वैराग्य क्यों नहीं मुझे जगा। इसके प्रति असंतोष नहीं है, असंतोष की दिशा बाहर है, और जब तक असंतोष की दिशा बाहर होगी तब तक विनाश के रास्ते खुले हैं, मौत के रास्ते खुले हैं। पर जब असंतोष की दिशा भीतर होगी कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति अभी तक क्यों नहीं हुई, मेरा राग द्वेष अभी तक क्यों नहीं छूटा, मेरी जगत में सत्य बुद्धि अभी तक क्यों है, मेरा अभी भी मान बढ़ाई पाने का मन क्यों बना हुआ है, अभी भी लोगों के द्वारा सम्मानित होने की वासना मेरे अंदर क्यों है, ये अगर मन में होगा ना तो सचमुच उस व्यक्ति के लिए मौत नहीं मुक्ति खुली है। काशी में सन 1920 में एक राजा हुए, उनको अपेंडिक्स की तकलीफ हो गई, ऑपरेशन तय हो गया, डॉक्टरों ने बेहोशी की दवा देनी चाही, काशी नरेश ने इनकार कर दिया कि मुझे कोई बेहोशी की दवा नहीं देंगे आप। तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन कैसे होगा, उन्होंने कहा आप मेरे हाथ में भगवत गीता दे दीजिए, मैं भगवत गीता पढ़ता रहूंगा, आप ऑपरेशन कर दीजिएगा। डॉक्टरों ने कहा ये कैसे होगा, बोले आप करके देखो। काशी नरेश का भगवत गीता के प्रति इतना प्रेम था, वो भगवत गीता पढ़ते रहे तल्लीन होकर, तन्मय होकर, और डॉक्टरों ने बिना बेहोशी की दवा दिए उनका ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन सक्सेस रहा। आज लोगों का ध्यान केवल बाहर की तरफ ही है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे काश वीजा मिल जाए यूके का, कनाडा का, यूएसए का, जिनको मिल गया उनसे पूछो क्या सुखी है क्या उधर,
असंतोष की दिशा बाहर होगी तो आदमी जीवन में सदैव असंतुष्ट रहेगा। बाहर का असंतोष भीतर जाने ही नहीं देता है, इसलिए जप की जरूरत है, गुरु दीक्षा की जरूरत है। और जप में उत्साह की जरूरत है। कई लोगों का जप में उत्साह डाउन हो जाता है, साल दो साल करते हैं फिर बोलते हैं अब कौन करे, इतना समय किया ना। कभी ऐसा सोचा कि इतने साल तक रोटी खाई अब कौन खाए, छोड़ो आज से रोटी खाना बंद, इस बारे में कभी ये नहीं सोचते। जप के बारे में कई बेवकूफ सोचते हैं कि बहुत समय जप किया, अब रोज करने की क्या जरूरत है। तो इतने साल से श्वास ले रहे हो, अब श्वास लेने की क्या जरूरत है, छुट्टी करो। इतने साल से श्वास ले ही रहे हैं ना, छोड़ दो। नहीं बोले, ये कैसे होगा। तो फिर ध्यान रहे, जैसे श्वास हरदम लेने का है उसी प्रकार जप तप भी हरदम करने का है, सदैव करने का है। और किसी भी कार्य के आरंभ में जितना उत्साह और हर्ष होता है, वो उत्साह और हर्ष उस कार्य को जल्दी सिद्ध कर देता है। जप में भी उत्साह हो हर्ष हो तो मंत्र सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई अब दस माला करनी पड़ती है कर लो जान छुड़ाओ, नहीं। उत्साह भी हो और खुशी भी हो। एक आदमी रात को मोबाइल चार्ज में लगा रहा था तो पत्नी ने कहा कि रिस्क है, कई केस सुनने को मिलते हैं, रात को मोबाइल चार्ज में लगाकर सो गए और गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ बताया पत्नी। तो पति बोला चिंता मत कर, तू रिस्क की बात करती है पर घबरा मत, मैंने बैटरी निकाल दी है, फोन तो चार्ज में लगाया है बैटरी निकाल दी। ऐसे लोग हैं दुनिया में, शरीर है मन है बुद्धि है हृदय है पर हृदय में भक्ति नहीं है। मोबाइल चार्ज में लगा है बैटरी निकाल दी है, अरे मूर्ख, तो फिर चार्ज में लगाने का मतलब क्या। ऐसा ही मनुष्य शरीर पाया पर हृदय में भक्ति नहीं है, ऐसा अभिमानी मूढ़ के सत्संग में और भगवान के नाम में रुचि नहीं है। तो फिर वो दिन भी आएगा, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। तो जीवन में खास भगवान के नाम को महत्व देना है, सभी मिलकर बोले राम 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 रा
राम 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 पर्दे खोलते बीच में से पंडार झील के पानी में पूनम की रात को चंद्रमा दिखता है पर है नहीं। आकाश में बादल छा गए, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या बादलों ने सूर्य को ढक दिया? बोलो बोलो भाइयों, बादलों में ताकत है सूर्य को ढक दे? ये तो हम धरती पर खड़े हैं तो कोई तर्क दे सकते हैं, हाँ भाई बादलों ने सूर्य को ढक दिया। पर अभी अगर फ्लाइट का टाइम हो किसी का और जहाज में बैठे और जहाज उड़ान भरे और जहाज बादलों के वितान को चीरता हुआ बादलों से ऊपर चला जाए, फिर देखो सूर्य है कि नहीं है। जैसे बादलों में ताकत नहीं है सूर्य को ठंडा कर दे, ऐसे ही किसी परिस्थिति में इतना दम नहीं है कि साधक की श्रद्धा को कम कर दे। बादल सूर्य को ढक नहीं सकते और ठंडा कर नहीं सकते, ऐसे ही परिस्थिति कोई भी आ जाए वो साधक को विचलित नहीं कर सकती। साधक आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, साधक अपनी महिमा में अचल होता है। एक सम्राट, संतान नहीं थी उनको, किसी से पूछा कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना होगा, तो सलाह दी कि यज्ञ का आयोजन करो। गुरु ने कहा यज्ञ का आयोजन करो और ये सकाम यज्ञ है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो पहले तो इसमें किसी जीव की बलि देनी होगी। तो पीछे कहां ले जा रहे हो, इधर से निकल। धीरे धीरे चलो, शांति शांति शांति, शोर नहीं करे, सेवा करने वाले शांति से काम निपटा ले। सेवादारियों को शाबाश है, सेवा में लगे हुए हैं, पर और थोड़ा शांति से। गुरु ने सलाह दी कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए सकाम यज्ञ है, इसलिए किसी जीव की बलि चढ़ानी होगी, भले कोई पशु हो। यज्ञ का आयोजन किया गया, किसी जीव की बलि देनी है। राजा खुद जंगल में गया,
तीर कमान लेकर, देखा दूर से एक हिरण आ रहा है। हिरण को मारने के लिए राजा ने अपना तीर कमान संभाला और तीर छोड़ने की तैयारी। इतने में वो हिरण दौड़ता हुआ राजा के पास आया और मनुष्य बोले ऐसी भाषा में बोला, ए राजा रुक रुक, तीर मत चलाइयो, तुझे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है ना, ठहर, मैं ऐसे ही चलता हूं, मेरी बलि चढ़ा दे। राजा ने कहा कमाल है, इसको पता कैसे चला मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं और वहां किसी जीव की बलि चढ़ानी है और ये सामने से आया और इसको अपने प्राणों की परवाह नहीं, जिंदगी से मोह नहीं और कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो। राजा ने पूछा, भाई तुम अपनी बलि देने को क्यों तैयार हो गए? उसने कहा कि मेरे को भी कोई संतान नहीं है, मैं भी एकाकीपन और संतानहीनता से बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, इसलिए मेरी बलि चढ़ा दो। चलो, राजा ने कहा मेरे को भी संतान नहीं, मैं दुखी हूं, उसके लिए यज्ञ करना चाहता हूं, और तुमको भी संतान नहीं है, तुम भी संतानहीनता से दुखी हो, तो दुखी जीव की बलि चढ़ाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाऊंगा, जाओ। वो चला गया मृग। राजा ने थोड़ा आगे जाकर नजर दौड़ाई तो एक दूसरा हिरण दिखा, तीर कमान संभाला, उसको तीर मारने की तैयारी। इतने में उसने भी दौड़ते हुए नजदीक आकर कहा, ठहरो राजा, तीर मत चलाना, मैं तैयार हूं, चलो मेरी बलि चढ़ा दो। तुमको यज्ञ के लिए कोई जीव की बलि चढ़ानी है ना, चलो मैं ऐसे ही चलता हूं, तीर क्यों मारते हो मेरे को? राजा को लगा कमाल है, बोले तुमको मरने का डर नहीं है? अरे बोले मरने का डर का एक शरीर है, शरीर तो पांच भूतों का है, वो तो एक दिन मरना ही है, अच्छा है किसी के काम आ जाए, हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए, हम इसमें खुश हैं। राजा को लगा ये हिरण होकर ऐसी ज्ञानी महापुरुषों जैसी बात कर रहा है और इसको पता कैसे चला कि मैं संतानहीन हूं, इसलिए दुखी होकर किसी की बलि चढ़ाना चाहता हूं यज्ञ के लिए ताकि मेरे को संतान हो जाए। राजा ने हाथ जोड़े उस हिरण के आगे और घुटने टेक दिए कि आप कौन हैं? बोले मैं जो भी हूं, चलो मेरी बलि चढ़ा दो। बोले पर आप अपनी बलि क्यों चढ़ाना चाहते हैं? बोले मेरे को संतान बहुत है इसलिए मैं दुखी हूं। राजा को लगा एक हिरण आया, बोले वो संतान नहीं इसलिए दुखी है और इसको संतान बहुत है इसलिए दुखी है। हां बोले वो आपस में लड़ते रहते हैं कमबख्त, मेरे को परेशान कर दिया, अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस कारण मैं भी दुखी रहता हूं, इसलिए अच्छा है मेरी बलि चढ़ा, चल कोई सार नहीं है संसार में। राजा ने कहा पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन हो और आपको मेरे दुख के बारे में पता कैसे चला? तब हिरण अदृश्य हुआ और एक महापुरुष हिरण की जगह पर प्रकट हो गए और कहा कि हम यहां एकांत में कई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और अपने तपोबल से कई बार किसी भी पशु का रूप बनाकर विचरण कर लेते हैं। राजन, आपको हमने देखा कि आप पवित्र स्थान पर तो आए हो, ये हमारी तपोभूमि है, पर पवित्र स्थान पर आप तामसी भाव से घूम रहे हो किसी को मारने के लिए। ये मारना किसी को हिंसा का भाव, तामसी है, तमोगुण का लक्षण। अच्छी जगह पर तामसी भाव से आप घूम रहे हो कि इसको जरा मार डालूं। जो भी सत्संग की जगह पर किसी मंदिर में किसी आश्रम में किसी को नीचा दिखाने का भाव रखते हैं ना, समझो पवित्र जगह पर तामसी भाव से रहते हैं और घूमते फिरते हैं कि इसका कोई वीक पॉइंट मिल जाए, इसकी कोई जरा ये कर दे, इसकी कोई खबर करे, इसका ये कर दे। पवित्र जगह पर तामसी भाव से घूमते हैं तो बताओ पवित्रता कहां से बढ़ेगी?
शुगर का पेशेंट है और वैद्यराज ने कहा कि करेले का रस पियो, तो पेशेंट ने कहा नहीं नहीं हम तो आम का रस पियेंगे, करेले का रस तुम पियो। तबियत कैसे ठीक होगी? पवित्र स्थान पर आप ऐसे भाव से घूमते हो राजन, आपको चाहिए कि सत्संग सुनकर अपना विवेक वैराग्य बढ़ाएं। राजा का भी ये वचन सुनकर विवेक जगा, संतान की प्राप्ति का मोह छोड़ा। उस ऋषि को प्रणाम करके राजा यज्ञ मंडप में आया, अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव यज्ञ की यही पूर्णाहुति कर दीजिए, मुझे अब संतान को पाने की कोई इच्छा नहीं रही, मुझे भगवान का भजन बढ़ाने की इच्छा जरूर है, मुझे भक्ति बढ़ाने की इच्छा जरूर है। गुरु बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि राजन हमें भी खुशी हुई कि तुम्हारी आंख खुल गई कि निष्कामता में ही सुख है। यज्ञ नारायण भी खुश होकर प्रकट हो गए और राजा को वरदान दिया कि तुमको संतान जरूर होगी, संतान हो जाए थोड़ी बड़ी योग्य तो उसको राजकाज सौंपकर तुम भगवत भजन के लिए एकांत में चले जाना। राजा ने ऐसा ही किया, पर आजकल तो कई लोग बुढ़ापा आ जाता है तो फिर पोते पोतियों को गोद में लेकर घूमते रहते हैं, उसमें मजा आता है। धनभागी वो है जिसकी गुरु उपदिष्ट मार्ग से अपना भजन अपनी भक्ति बढ़ाने में रुचि हो जाए। और मीरा को देखो युवावस्था में रुचि हुई, शबरी को युवावस्था में रुचि हुई, विवेकानंद को युवावस्था में अपना भजन बढ़ाने की रुचि हुई, किसी को युवावस्था में दिखावा करने में रुचि बढ़ जाती है और किसी को युवावस्था में अपनी भक्ति बढ़ाने की रुचि हो जाती है, उसका जीवन सचमुच में सार्थक है। धन यौवन यो जाएंगे जा विधि उड़त कपूर, नारायण गोविंद भज क्यों चाटे जग दूर। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा जब से तू सत्संग में आने लगेगा सच्चा अमर सुख तू पाने लगेगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हमारा प्रवचन था तो एक परिवार के लोगों ने बड़ा आग्रह किया, मैं उनके घर गया तो बताया उस घर वाली महिला ने कि मेरे पति ने, पति भी उनके खड़े थे वहीं, कि मेरे पति ने गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा से दीक्षा ली थी और गायत्री मंत्र नित्य प्रति जपते थे, पर मेरे मन में इच्छा थी बापूजी से दीक्षा लेने की, पर द्वंद चलता था कि मेरे पति ने वहां ली है और मैं बापूजी से लूं कि नहीं लूं। एक रात को सपने में आचार्य श्री राम शर्मा ने दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू जरूर बापूजी से दीक्षा लेना, द्वंद में मत पड़, समय खराब मत कर, जल्दी से दीक्षा ले लेना, तेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। उसने फिर बताया मुझे कि दीक्षा ली और मेरी आध्यात्मिक उन्नति खूब अच्छी हो रही है, सत्संग में भी जाती रहती, मौका मिलते ही अमेरिका से हम भारत भी पहुंच जाते हैं। नासिक में सत्संग था शिवरात्रि के पर्व पर गुरुदेव का, एक कन्या अमेरिका से खास सत्संग सुनने के लिए आई थी 4-5 दिन की छुट्टी लेकर। सत्संग पूरा हुआ और मुझे बताया कि बोले बस मैं परसों की फ्लाइट से तो जा रही हूं अमेरिका, मैं सत्संग सुनने के लिए ही आई थी। पुण्य है, भगवान की कृपा है तो अमेरिका से भारत नासिक दूर नहीं लगा, और पुण्य ना हो, ईश्वर की कृपा ना हो तो भले 1-2 किलोमीटर के अंतर पे रहते हो पर सत्संग में आने की रुचि नहीं होगी। पड़ोसी कहेगा कि चलो हम जा रहे हैं सुनने के लिए, आपको आना है क्या? वो कहेगा कि नहीं तुम सुन के आना, मेरे को बता देना महाराज जी क्या बोले थे, मेरे को टाइम नहीं है। लोग अपनी जिंदगी के 17-18 साल 19 साल उन बातों को रटने में लगा देते हैं जो बातें
अंत समय कुछ काम नहीं आती। स्कूल और कॉलेजों में जो भी पढ़ते हैं उसमें से क्या मृत्यु के समय काम आता है, पर सत्संग में सदगुरु के चरणों में बैठकर जो वचन सुने वो अगर मृत्यु के समय भी याद आ गए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर पांच भूतों का है, मैं तो साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान गुरु का मरते समय भी याद आया तो मृत्यु के बदले मुक्ति भी हो सकती है। थोड़ी देर भी सत्संग में बैठे और जो सुना वो बड़ा काम करता, और 18-19 साल तक जो स्कूल कॉलेजों में रटा वो वहां अंत समय काम नहीं आता है। इसलिए सत्संग और भक्ति के अभाव में बाह्य जगत में पाई हुई सफलता वो केवल विफलता की यात्रा है और कुछ नहीं है। सत्संग और सदगुरु की भक्ति दीक्षा से वंचित रहकर पाई हुई संपदा केवल विपदा ही है। सत्संग और भक्ति से वंचित रहकर दुनिया में जो भी मजे पाए वो केवल पानी पे खींची हुई लकीरें ही हैं। सदगुरु 16 कला से संपन्न होते हैं, अथर्ववेद की उपनिषद में आया है, प्रश्न उपनिषद में। 16 कला माने कौन कौन सी? एक तो प्राण, सदगुरु के प्राण अति सूक्ष्म हो जाते हैं, वो प्राणों को जानने वाले हो जाते हैं, और उस कारण कई भक्त जब हृदय पूर्वक उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो भले भक्त विदेश में बैठा हो, समुद्र पार के देश में बैठा हो, पर अपने सदगुरु की मौजूदगी का अनुभव वो कर सकता है। फूल देख सकते हैं सुगंध नहीं, शहद देख सकते हैं मिठास कैसे देखेंगे, ऐसे ही सदगुरु के दर्शन कर सकते हैं, पर गुरु की गुरुता वो निराकार है। जैसे बल्ब साकार है, बल्ब की रोशनी निराकार है, सूर्य साकार है, उसकी किरणें निराकार है, पंखा साकार है पर चलाते हैं तो जो हवा आती है वो निराकार है, ऐसे ही गुरु साकार है, गुरु की अनुभूति, गुरु की शक्ति वो निराकार है। बड़ी गहरी आंख चाहिए वो देखने के लिए, जैसे बीज में वृक्ष को देखने के लिए गहरी आंख चाहिए। प्राण, उनके प्राण अति सूक्ष्म हो जाते हैं। एक लड़का, उसको कोई तकलीफ हुई थी और दवा का रिएक्शन हुआ, आंखों की रोशनी चली गई, परिवार वाले बहुत दुखी थे, डॉक्टरों ने हाथ धो दिए थे, तो उस लड़के के चाचा ने एक चिट्ठी लिखी बापूजी के नाम, पर चिट्ठी आश्रम नहीं भेजी, घर में जहां पूजा की जगह थी और गुरुदेव की तस्वीर और पादुकाएं रखी थी वहां वो चिट्ठी रख दी, और ऐसा नहीं कहा कि ठीक कर दो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, ये नहीं किया, हम बहुत दुखी हैं गुरुजी आप दया कर दो, नहीं नहीं, उसने सत्संग में सुन रखा था कि अंधेरा कभी रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे पक्षी के गले में पत्थर बंधा हो तो उड़ान नहीं भर सकता, ऐसे ही प्रार्थना में इच्छा के पत्थर लटका दिए तो प्रार्थना ऊंचे लोगों तक शायद ही पहुंचे, वो तो बैठ गए शांत, जो होगा देखा जाएगा। गीता में जैसे भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, मेरी शरण में आ जा बाकी मैं कर दूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवत गीता के 5 श्लोक अगर कोई रोज पढ़े तो उसकी भक्ति बढ़ेगी निश्चित रूप से। प्रार्थना करके कहे भगवान ये आपके कहे हुए 5 वचन मैं पढ़ रहा हूं, मेरी भक्ति बढ़े, बस 5 श्लोक
पहला नौवें अध्याय का 34वां श्लोक, दूसरा 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, तीसरा 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, नौवें का 34वां, 11वें का 54वां और 55वां, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। पांच श्लोक संकल्प करके रोज कोई पढ़े कि मेरी भक्ति बढ़े बस। और दूसरी बात, कभी कभी भगवत गीता हाथ में रखकर संकल्प करें कि जैसे अर्जुन भगवान को नहीं छोड़ना चाहते थे, ऐसे ही हे भगवान मैं कभी भक्ति को न छोड़ूं, मैं कभी उपासना का रास्ता न छोड़ूं। भगवत गीता हाथ में रखकर शुभ संकल्प करें रोज कि अर्जुन भगवान को नहीं छोड़ना चाहते थे, मैं भी सदगुरु की बताई हुई राह न छोड़ूं, मैं भक्ति न छोड़ूं, मैं सत्कर्म न छोड़ूं, ये संकल्प करें। लड़के की आंखें वो देख नहीं पाता था, पड़ा था बेचारा घर पे निष्प्राण होकर। उस लड़के ने जो बाद में अपना अनुभव बताया कि पड़ा था बिस्तर पे, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और आवाज दी, उठ, क्या मुर्दे की तरह पड़ा है। और जो ही उसने पलके खोली तो उसने देखा सामने पीली धोती ओढ़े हुए बापूजी खड़े हैं। और उसके बाद वो प्रणाम करने जाए तो बोले दिख ही नहीं रहे, और लड़के को आज तक दिखाई दे रहा है। ये घटना आज से 5-6 साल पहले की है। अब कोई आदमी ये बात सुनकर विश्वास न करे, अरे हम इस बात में नहीं मानते, तो मत मान, तुझे किसने चिट्ठी लिखी कि तू मान न मान। एक युवक ने एक संत को कहा, महाराज जी मैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूं। संत ने कहा कि श्री कृष्ण ने तुझसे प्रमाण पत्र मांगा और तू नहीं मानेगा तो उनकी भगवत्ता में कमी नहीं आ जाएगी, और तू मानेगा तो उनकी भगवत्ता में बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी। तू नहीं मानेगा तो तेरे को घाटा है, मानेगा तो तुझे फायदा है, तेरी मर्जी। अयोध्या का धोबी भी नहीं मानता था कि सीता जी पूर्ण पवित्र है, अग्नि परीक्षा हुई थी फिर भी। तो कई धोबी के परंपरा के होते हैं वो नहीं मानते, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो पहली कला प्राण, प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। दूसरी कला श्रद्धा, अपने आत्म स्वरूप में उनकी पूर्ण निष्ठा होती है, इसी कारण उनके दर्शन सत्संग के लिए लोग घंटों भर बैठते हैं श्रद्धा से। और बापूजी का सत्संग होता ना तो कोई महीनों भर पहले से तैयारियां नहीं होती है, कई उपदेशकों की महीनों भर पहले से तैयारियां होती है फिर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। पर बापूजी का सत्संग 2-5 दिन, कहीं कहीं तो 2 दिन पहले ही तारीख तय होती है कि चलो भाई करेंगे, फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत उमड़ती है। अगर महीनों भर पहले से तैयारी हो, 1-2 महीने पहले से तिथि मिले तैयारी हो, तो सोचो कहां लोगों को बैठने की जगह मिल पाए। तीसरी कला आकाश, आकाश के समान धैर्य, ऊंचाई और निर्लेपता होती है सद्गुरु में, ये तीसरी कला है। और उनका स्मरण करने वाला भक्त भी वो ऐसी ऊंचाई पा सकता है, ऐसी निर्लिप्तता पा सकता है, ऐसी पवित्रता पा सकता है। आकाश, चौथी कला वायु, वायु जैसी असंगता। और हमारे देश में जितने युवा रहते हैं, युवा शब्द का उल्टा दो तो होता है वायु। युवा को चाहिए कि वो वायु की तरह असंग हो, हवा जैसे पसार हो जाती है, नाले के ऊपर से भी पसार हो जाती है तो गंगा जल के ऊपर से भी पसार हो जाती है। ऐसे हम संसार में रहें, पसार हो जाएं, किसी के गुण को देखकर उसके पिछले गुण ना हो जाएं, किसी के दोष को देखकर उससे नफरत करने ना लग जाएं, हमारी दृष्टि उपेक्षात्मक और अपेक्षात्मक, उपेक्षात्मक संसार में हो और अपेक्षात्मक भगवान में हो, गुरु में,
वायु सी असंगता और तीव्रता, साधना में तीव्रता, जप तप में तीव्रता, तो गुरु में होती है चौथी कला, गुरु की भक्ति से, संग से, दीक्षा से शिष्य में भी आ सकती कि वो ऐसी ऊंचाई पा ले। पांचवी कला ज्योति, उनकी आत्म ज्योति, सत्संग सुनने वाले के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है, उसके अंतर में भी उजाला करती है। यही कारण है कि कईयों की शराब छूट जाती है सत्संग सुनते सुनते, कईयों ने छोड़ी है। बाकी प्रतिबंध लगा दें, जैसे गुजरात सरकार ने प्रतिबंध लगाया शराब पर, तो क्या गुजरात में कोई शराब पीता ही नहीं? मानते हैं आप इस बात में? डॉक्टर ने गुजरात में अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगाया था, यहां शराब गारंटी से छुड़ाई जाती है। एक आदमी आया डॉक्टर को, कहा डॉक्टर गारंटी से शराब छुड़ाई जाती है? बोले हाँ पक्का। बोले हाँ पक्का गारंटी से छुड़ा देते। तो साहब मेरी 8 पेटियां पुलिस वालों ने जब्त कर लिए, छुड़ा दो साहब। बेहोशी बहुत गहरी है, अंधेरा बहुत घना है। सेठ बैठे थे घर पर, मेहमान आए, सेठ ने कहा रामू, नौकर को आवाज दी पानी ले आओ जल्दी। रामू दौड़ता दौड़ता गया, 2 गिलास उठा कर लिया। सेठ जी पानी। सेठ ने कहा बेवकूफ, ट्रे में लाया जाता मेहमान के आगे, पानी ऐसे नहीं लाते, जा ट्रे में लेकर आ। वो गया, दोनों गिलास ट्रे में खाली कर दिए। सेठ जी चम्मच से पियेंगे कि डायरेक्ट पियेंगे? सेठ ने कहा मूर्ख, मेहमान के सामने कोई भी चीज लाई जाती है तो ट्रे में लाई जाती है, जा ट्रे में लेकर आ। तो ट्रे में लेकर आया, फिर नाश्ता कुछ नमकीन बिस्किट काजू किशमिश, जैसे मेहमान के आगे डिश रखते हैं, वो ट्रे में लेकर आया। मेहमानों ने कुछ खाया पिया, इतने में सेठ ने कहा रामू मुन्ना को लेकर आ जल्दी, मेहमान मुन्ना को भी देख ले। तो मुन्ना को भी ट्रे में उठा कर लाया। तो पांचवी कला है ज्योति, अज्ञान अंधकार को दूर करती है गुरु की आत्म ज्योति। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्चते। छठी कला है जल, सदगुरु शीतलता और पवित्रता के धनी होते हैं और उनके सत्संग में बैठने वाला भी हृदय की शीतलता और हृदय की पवित्रता के धन से धनवान हो जाता है। रुपयों के धन से धनवान होना कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। सोने की लंका थी रावण के पास, परंतु आज तक उसका पुतला हर दशहरे को जला दिया जाता है। दशहरा मैदान इंदौर में भी है, उज्जैन में भी है। पर सचमुच इंदौर और आसपास के रहने वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि बापूजी का यहां आना जाना होता रहता है, कभी इंदौर तो कभी उज्जैन में। और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश में भगवान महाकालेश्वर विराजमान उज्जैन में, और कुंभ भी होता है वहां पर, और गुरुदेव का आगमन भी इस महीने जल्दी जल्दी मध्य प्रदेश में होता रहता है। अवंतिकायां विहितावतारम्, सब बोलो अवंतिकायां विहितावतारम्, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम्, अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम्, वंदे महाकाल महासुरेशम्, वंदे महाकाल महासुरेशम्। तो छठी कला जल, शीतलता पवित्रता के धन से अपने साधकों को भी धनवान बनाते हैं। ऐसे सातवीं कला है पृथ्वी, धारणीय शक्ति, ग्रहणीय शक्ति, माने
गुरु जैसे धरती माता पर कोई सुबह उठकर धरती को प्रणाम करते हैं कि वाह वाह विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम शमस्वमे, जिनके सिर पे कर्जा हो ना और आर्थिक परेशानी रहती हो उनको चाहिए कि रोज बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करे और बोले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम शमस्वमे, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम शमस्वमे, फिर पैर रखे धरती पर। ये धरती माता विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है और मंगल देव की माँ है। उज्जैन में मंगलनाथ है, अपना आश्रम मंगलनाथ रोड पे ही है। तो मंगल की माँ है और मंगल कौन है? मंगल एक ऐसे देव है कि कर्जे से मुक्ति दिलाते हैं। अगर हर मंगलवार को कोई नमक बिना का भोजन करे और रोज गजेंद्र मोक्ष पढ़े वो जल्दी कर्जे के भार से छूटेगा। ये जिन्होंने किया, अभी शहादा में एक भाई मुझे मिले महाराष्ट्र में, 18 लाख कर्जा था, अभी 18 रुपए का भी कर्जा लगा, बहुत मस्त रहते हैं। बेटी की शादी भी अच्छी तरह हो गई, अभी अपनी प्रॉपर्टी भी है, कोई टेंशन नहीं। तो धरती सुबह कई लोग धरती को प्रणाम करते हैं तो ये बात तो कईयों को पता भी नहीं थी, है ना? है शास्त्रीय बात। तो कई प्रणाम करते हैं, कई सुबह उठकर ही थूक देते हैं धरती, और कई तो उठते ही सिगरेट जला लेते हैं, उठते ही कहीं तो पान मसाला या तंबाकू शुरू कर देते हैं। तो धरती फिर भी सबको धारण करती है। ऐसे ही गुरु भी किसी के दोष से घृणा नहीं करते। बापूजी ये नहीं कहते तुम पहले मांसाहार छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, पान मसाला छोड़ दो, फिर हम तुमको दीक्षा देंगे। नहीं, बापूजी तो दे ही देते। हांगकांग के एक सेठ मुझे मिले, बोले मैंने जब दीक्षा लेने की इच्छा बापूजी के आगे रखी 93 में, तो मैंने कहा कि गुरुदेव मैं तो शराब पीता हूँ और मांसाहार भी करता हूँ, पत्नी भी करती है मांसाहार, हम तो विदेश में रहते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो होता है यहाँ पर, तो हम दीक्षा ले तो हमको पाप तो नहीं लगेगा। गुरुदेव ने कहा दीक्षा लो तो सही, फिर देखना, मुझे अपना अनुभव तुम बताना। उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद वो बताते थे कि कभी शराब पीने की इच्छा नहीं हुई, कभी पार्टियों में जाने की इच्छा नहीं हुई, सब अपने आप छूट गया और मन भक्ति में लग गया। ये है पृथ्वी सातवीं कला की। पृथ्वी जैसे कभी किसी का त्याग नहीं करती, ऐसे सद्गुरु भी किसी का त्याग नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या के धन से सामने वाले को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे सूर्य सागर का खारा पानी वाष्प बनाकर ले लेते हैं और बादलों के द्वारा मीठा करके बरसा देते हैं, ऐसे आठवीं कला इंद्रियां। ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं वो इंद्रियों के अनुरूप नहीं चलते हैं। इंद्रियां जैसे मनमाने विषयों में सुख बुद्धि कराए, तो ज्ञानी इंद्रियों के अनुरूप नहीं चलते, उनके अनुरूप इंद्रियां चलती है। इंद्रियों के विषयों के वशीभूत नहीं होते, अपितु उनको अपने वश में रखते हैं। तो उन गुरु के प्रति भक्ति भाव रखने वाले साधक भी इंद्रियों को अपने अनुरूप चलाने के मार्ग पर चलते उन्नत होते हैं। नौवीं कला है मन। साक्षी दृष्टा होकर अपने मन को अपने से अलग जान लिया, मैं मन नहीं हूं, मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसका दृष्टा हूं। कार चला रहा था एक आदमी, दोस्त बैठा था पास की सीट पर, दोपहर का टाइम था, उनको राइट टर्न करना था आगे से, तो उसने इंडिकेटर दिया राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट मुड़ना था। दोस्त को कहा जरा देख तो सही इंडिकेटर चालू है कि नहीं। उसने कांच उतार कर बाहर देखा, हाँ चालू है। फिर बोला नहीं नहीं बंद है, हाँ चालू है चालू है, अरे बंद है चालू है बंद है चालू है बंद है। वो बोला तू पागल तो नहीं हो गया? अरे बोले क्या करूं, ये तेरा इंडिकेटर चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है। ओ बोला पागल, यही तो इंडिकेटर का काम है, चालू हो बंद हो तभी तो पता चलता है इधर टर्न करना है कि उधर टर्न करना है, इंडिकेटर ऐसे ही होता है। अरे बोले मुझे क्या पता। तो जैसे इंडिकेटर चालू होता है बंद होता है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, चालू है बंद है चालू है बंद है, अरे देख ले कि चालू है बस ठीक है। ऐसे ही मन कभी साधना में लगता है तो कभी नहीं लगता है,
कभी जप में लगता है, कभी नहीं लगता है, ये सबका अनुभव है। हमेशा नहीं लगता ऐसी बात नहीं है, लगता भी और नहीं भी लगता। तो लोग क्या करते हैं, जब मन लग जाता है तो खुश हो जाते हैं और नहीं लगता है तो दुखी हो जाते हैं, मेरा मन नहीं लगा आज, मेरा मन नहीं लगा, और लगता है तो फूल जाते हैं कि आज तो मेरा मन बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया आज तो, वाह 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 वाह। पर लगा मन जप में उसको भी हमने देखा, और कभी नहीं लगा उसको भी देखा। हम उसके दृष्टा बने, उसके साथ जुड़ न जाएं। जुड़ेंगे तो दुख होगा, मन नहीं लगा, मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। साक्षी दृष्टा होकर अपने मन को जान लेना। जैसे कोई बोले कि मेरे मन में विकार बहुत है, मेरे मन में बुरे विचार बहुत है, है नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। आप एक बात बताओ भाइयों, पेन में लिखने की इच्छा होती है क्या? बोलो तो बहनों, आप बोलो, पेन में लिखने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती ना। अच्छा, बाइक में चलने की इच्छा होती है क्या? बोलो तो। कार में चलने की इच्छा होती है? नहीं होती ना। चलाने वाला चलाता है, पेन में लिखने की इच्छा नहीं होती, लिखने वाला उससे लिखता है। ऐसे ही मन में भी कोई वासना होती नहीं है। जैसे पेन में लिखने की इच्छा नहीं, ऐसे मन में भी कोई वासना होती नहीं है, आ जाती है। कैसे आ जाती है? गलत संग से आ जाती है। अगर सत्संग करो तो फिर मिट भी जाती है, इसलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए भगवान ने भागवत में अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग बताया है। न रोधयति माम योगः न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्चन्दासि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। योग से, धर्म कर्म की बातों से, तीर्थ यात्रा करने से, व्रत उपवास करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती, सत्संग से ही मेरी प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि सत्संग से आसक्ति खत्म हो जाती है वस्तु व्यक्ति की, आदमी अनासक्त होता है, तो उसको नित्य प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। तो दसवीं कला है अन्न। अन्न माने तृप्ति। हम रोटी खाते हैं, भूख मिट जाती है, पेट भर जाता है और शरीर को शक्ति भी मिलती है। तो बाहर की भूख तो अन्न मिटाता है, पर भीतरी क्षुधा की तृप्ति, सच्चे सुख की जो भूख है, आत्म शांति की जो भूख है, उसको गुरु मिटाते हैं, माने पूरी कर देते हैं। इसलिए सदगुरु इस कला से भी संपन्न है। उन्होंने खुद वो तृप्ति पाई है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो खुद हैं, इसलिए उनके संग में बैठने वाले भक्त भी आत्मन्येवात्मना तुष्टः हो जाते हैं। अभी नहीं हो रहे, कितनी देर से बैठे। घर पे होते तो एसी चला के बैठे होते, पंखा कूलर चला के बैठे होते, जब इच्छा होती फ्रिज खोलते और ठंडा पानी निकालते, शरबत बना के पीते। यहाँ तो पानी भी मिलेगा तो जरूरी नहीं है फ्रिज का ही पानी हो, और बैठने की जगह भी कोई सोफा या बढ़िया कारपेट बिछी हुई ना भी हो, फिर भी आप शांति श्रद्धा से बैठ जाते हैं। क्यों? किस लिए? कि आपके अंदर भी दैवी संपदा है, आपके अंदर भी भक्ति है। वो भक्ति आपको यहाँ बिठाए रखती है निरअभिमानी होकर। और मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान करे ऐसी हमारी भक्ति और बढ़ती रहे, ऐसी हमारी श्रद्धा और बढ़ती। ये सच्चा धन है। बाकी तो दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें भैया, कफन में जेब नहीं होती जो कोई साथ में लेकर के जाए। विदेश में एक आदमी मर रहा था, अपने दो दोस्तों को बुलाया, बचपन के थे उसके, अब बूढ़े बूढ़े हो गए थे, ये मर रहा था, कहा मेरे पास 30 लाख रुपया है, 10-10 तीनों को देता हूँ। तीनों दोस्तों को बुलाया, 10-10 तीनों को देता हूँ, मैं जब मर जाऊं ना कब्र में मुझे दफनाने ले जाओ तो 10-10 लाख अंदर डाल देना, लोग तो छोड़कर मरते हैं, मैं लेकर जाना चाहता हूँ, तुम डाल तो देना। वो मर गया तो कब्र में दफनाने ले गए, एक ने 10 लाख डाल दिए, दूसरे ने डाल दिए, तीसरा दिखा नहीं, उसको इधर उधर खोजा, थोड़ी देर के बाद, क्यों रे हमने तो 10-10 डाल दिए, तूने डाल दिए? बोले नहीं,
एक साथ इतना रुपया किसी के साथ ये रिस्क है, कैश इतना 30 लाख रुपया खतरा है। 30 लाख रुपया कोई बैग में लेकर चलता है बाजार में पागल कहीं के, उसको बेचारे को खतरे में डालना। इसलिए तुमने जो 20 लाख डाले थे वो मैंने निकाल लिए, चेक लिख कर रख दिए मैंने, जितनी जरूरत होगी बैंक से जाके ले आएगा। अब ये मुर्दा बैंक में जाएगा, और इसने 30 लाख बेईमानी से ठग लिए, हड़प कर लिए, तो ये लेकर मरेगा साथ में। पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लवली। भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में कहा, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान वो है जो भक्ति में लग जाता है, गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेके कमाई करने लग जाता है, वो सच्चा बुद्धिमान है। बाकी बोले ना पो दिसना सिंह केड़ी तक कर पाई आए केर तो यार बटे, क्यों अभी दीक्षा ले, बाद में देखा जाएगा, अभी तो जल्दी क्या है भाई, जल्दी क्या है। तो फिर पता है कितने साल जिंदगी के बीते, ये तो पता है, कितने बाकी है किसको पता है, कितने बाकी है किसको पता है। हाँ पर 2012 में तो नहीं मरने वाले। टीवी वालों ने कई लोगों को डरा दिया कि ये देखिए जापान की सुनामी दहशत फैला दी, क्या ये 2012 का ट्रेलर तो नहीं है 21 दिसंबर जो महाप्रलय होने वाली है। काय को महाप्रलय हो जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंग जिस देश में हो वहां 2012 में कोई प्रलय नहीं हो सकती। दिसंबर 2012 के दिनों में शनि तुला राशि पर है, इसलिए हमारे देश के जो किसान हैं वो कमाएंगे खूब, फसलें अच्छी होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रलय वरलय नहीं हो जाएगी, उनके यहां ना हो जाए बस। क्योंकि जो एक आदमी मर गया उसके लिए तो पूरी दुनिया खत्म हो गई ना, उसके लिए तो क्या बचा, इंदौर क्या, उज्जैन क्या, मुंबई क्या, दिल्ली क्या, कलकत्ता क्या, अमेरिका, उसके लिए तो सारी दुनिया खत्म हो गई। इसलिए मुझे लगता है उनका ही समय होगा, अपना नहीं है। मैं तो फिर से 2012 में भी 13 में भी इंदौर उज्जैन में अपन मिलते रहेंगे, भगवान महाकाल की जय जयकार करते रहेंगे, क्या घबराना। एक आदमी बहुत उदास बैठा था तो एक संत ने पूछा, बेटे उदास क्यों बैठा है? बोले महाराज मैंने सुना है दुनिया में सबको मरना पड़ता है। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, सबको मरना पड़ता है, पर तुझे क्या है अभी से? बोले महाराज मैं ये सोच रहा हूं कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा। तो 11वीं कला है वीर्य, माने ओजस्विता, तेजस्विता, तेजस तेजस्विनाम हम, तेजो मैं बालक बड़ा आनंद बड़ा अपार, तेजस्विता। सदगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्तों के जीवन में भी तेजस्विता आती है, ओजस्विता आती है। बारहवीं कला तप, समता रूपी तपस्या साधकों के जीवन में भी गुरु के संग से आ जाती है। कितनी आंधी आई, कितना तूफान आया, कोई डरपोक होता तो उठ के भाग जाता, और ये पाइप गया अभी आएगा सिर पर, कैसा आया। बहनों ने भी देखा, इधर से उड़ा तो ऊपर उधर चला गया, इधर भी आया पर किसी को लगा नहीं, और अभी शांति से सब बैठे। तो कोई कह रहे थे ऐसे विनोद में हमारे यहाँ के, बापूजी के जन्मोत्सव के समय सबने दर्शन किए, इधर पर्दे लगा रखे थे देवी देवता आकाश के लिए, बोले तुमने हमारे लिए पर्दा लगाया, हटा इस पर्दे को। इसलिए बोले देखो आगे से ही पर्दा हटा, बीच में इधर उधर सब शांत है, अच्छी तरह बैठे सब, इधर से ही पर्दा उड़ा दिया। समता रूपी तप, आंधी तेज चली है, पाइप उड़ने लगे ऊपर, तो हमारे मजबूत भाइयों ने पाइप ही पकड़ लिए, कहां जाता है बैठ इधर तू। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाएं। वीरता और धीरता साधकों के जीवन में भी आ जाती है। 13वीं कला है मंत्र, जिन्हें मंत्रों में सिद्धि प्राप्त हो गई,
और जो दूसरों को भी सिद्ध मंत्र देने में सक्षम है दीक्षा के समय, बड़ों को गुरु मंत्र, बच्चे बच्चियां हैं तो उनको सारस्वत मंत्र बच्चों को गुरुदेव देते हैं, और वो जपने से बच्चों के जीवन में भी सारस्वत मंत्र, विद्या की देवी माँ सरस्वती का मंत्र जपने से बच्चे भी कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं, उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़िया हो जाती है। दिल्ली में एक लड़की सुरभि उसका नाम, 12वीं की परीक्षा दी, 98% आए। मुझे वो कह रही थी कि भाई जी मेरे कभी इतने परसेंटेज नहीं आए, सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा लिए मैं जप करती हूँ उससे मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। और बोले मैं बचपन से साईं बाबा को इष्ट मानती थी, उनकी खूब भक्ति करती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को टोकते थे कि दो नाव में पैर रखे हैं, एक तरफ शिरडी के साईं बाबा को भी मानती है, एक तरफ बापूजी से भी दीक्षा ले ली, दो नाव में पैर रखने वाला पार नहीं होता। तो बोले मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैंने रात को सोते समय साईं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ये लोग ऐसा बोलते हैं कि दो नाव में पैर रखे हैं। बाबा ने कहा तू चिंता मत कर, लोगों ने बोलने में मेरे को नहीं छोड़ा, तेरे को छोड़ेंगे। मैं जब हाजिर था तो दिया जलाने के लिए तेल नहीं दिया मेरे को लोगों ने, घी की तो बात ही छोड़ दे, तेल भी नहीं दिया, पानी से दिए जलाने पड़े मेरे को। अब मेरे नाम के अखंड दिए जल रहे हैं मंदिरों में, मैं जब था तो पानी से दिए जलाने पड़े, तो तेरे को कोई बोले तो बेटी चिंता मत कर। मुझे भी एक व्यक्ति ने पूछा कि अमुक चैनल वाले आश्रम के लिए बहुत गलत गलत बोलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, केरोसिन की दुकान से घी मिले ऐसी तुम अपेक्षा ही क्यों करते हो, घासलेट की दुकान से घी कैसे मिल सकता है। तो बोले फिर ये लोग आश्रम के लिए ही क्यों बोलते हैं और किसी के लिए इतना गंदा नहीं बोलते। मैंने कहा सांप हमेशा चंदन के पेड़ से ही लिपटा रहता है, नीम के पेड़ से काहे को लिपटा रहेगा। सांप भले जहरीली हवा दे, चंदन तो अपनी शीतलता और सुगंध ही देता है। विराटता कभी तुच्छता से प्रभावित नहीं होती है, आकाश की तरह निर्लिप्त होती है विराटता। गुरु ने उस अपनी विराटता का अनुभव किया होता है। तो मंत्र, साईं बाबा ने फिर उसको कहा कि बेटी तूने दो नाव में पैर नहीं रखे, एक ही नाव में पैर रखे, फर्क इतना है मैं धरती पर पहले जाकर आ गए और बापू धरती पर अब गए हैं, इतना ही फर्क है बस। उसने फिर ये बात घर वालों को बताई, घर वालों ने भी फिर दीक्षा ले ली, तब से बहुत आनंद में है वो। 14वीं कला है कर्म, जिनका प्रत्येक कर्म परहित परायण है और उनके संग में आने वाले भक्तों के भी परहित परायण। जैसे आज गुरुदेव के अवतरण दिन पर देश भर में जगह जगह सेवा कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हुए। मैंने दोपहर को थोड़ी देर कई जगह से खबर ली, वहां पर कई जगहों पर भंडारे, गरीबों में अन्न वितरण, वस्त्र वितरण, कई जगह ये सेवाएं आज संपन्न हुई है। कहीं कीर्तन हुए, भगवान नाम जप हुए, तो भगवान नाम जप से भी वातावरण पवित्र करने की ये बड़ी सेवा है। कोई आदमी गाली बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो अपना मुख तो गंदा करता है, वातावरण भी गंदा करता है। और कोई आदमी जप करता है, कीर्तन करता है, अपना मुख भी पवित्र करता है, वातावरण को भी पवित्र कर देता है। तो कर्म, छिंदवाड़ा में अपना गुरुकुल है, वहां के बच्चे बच्चियां इधर आए, उनका रिजल्ट ऐसा बढ़िया आया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां के व्यवस्थापक को बुलाकर गुरुकुल को सम्मानित किया कि ऐसा बढ़िया रिजल्ट आया हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा बापूजी के आश्रम के गुरुकुल का। आज दोपहर को भी आपने देखा यहां इंदौर के गुरुकुल के बच्चों ने कैसा सुंदर भजन, कैसी सुंदर कवाली गाई। तो 15वीं कला है लोक, माने सदगुरु की गति केवल लोक गामिनी नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी किसी भी लोक में गति कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। ये बात उपनिषदों में भी आती है, हम उस विस्तार में न जाएं। बाकी सदगुरु के नाम की गूंज, एकनाथ महाराज ने कहा त्रैलोक्य में वंदनीय होती है। जैसे नामदेव जी और ज्ञानदेव जी महाराष्ट्र के दोनों संत यात्रा करते करते किसी के यहां किसी के घर में आने वाले थे, वो लोग गरीब थे, सोने की चैन एक बेचकर सीधा सामान लेकर आया, आटा दाल चावल घी मसाले,
भोजन बना रहे थे कि आज संत आएंगे, भक्त भी आएंगे, सबको खाना खिलाना है। बाप ने बेटे को कहा कि बेटे एक का एक बेटा, बेटे जान जंगल में से लकड़ियां लेकर। वो जमाना गैस चूल्हे का नहीं था, लकड़ियां लाके चूल्हे जलाते थे। बेटा गया जंगल में, वहां उसको सांप ने काटा, बेटा मर गया। बाप को पता चला, बेटे का मुर्दा शरीर घर के पीछे रख दिया, चादर ढक दी, नहा धोकर फिर काम में लग गए। संत ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी आए और कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद, मैं बहुत कम शब्दों में बता रहा हूं, समय ज्यादा न लूं। कीर्तन के बाद भोजन का थाल तैयार करके संतों के आगे रखा कि भगवान को भोग लगाएंगे, फिर सबको बांटेंगे, सब लोग खाना खाएंगे। नामदेव जी ने आंख बंद करके भोग लगाया तो दो मिनट बाद आंख खोलकर कहा कि भगवान मना कर रहे हैं, भोग नहीं लगाएंगे। क्यों? बोले वो तुम जानो। घर वाले ने कहा कि महाराज हम तो ब्राह्मण हैं, बहुत पवित्रता से खाना बनाया है। बोले नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। आंखें बंद करके फिर प्रार्थना की तो कहा भगवान मना कर रहे हैं। अरे वो तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोले वो तो खेलने गया होगा दोस्तों के साथ, आप भोग लगाओ भगवान को। नामदेव जी ने कहा उसकी भक्ति देखकर तो हम तुम्हारे घर आए, बुलाओ उसको। तो ज्ञानेश्वर जी ने हाथ पकड़ा नामदेव जी का, इनका बेटा जहां गया है वहां से ये नहीं बुला सकते, आप आवाज दोगे तो ही वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नामदेव जी समझ गए, वो भी संत थे। अच्छा हाँ, बोले महाराज आवाज दो, सदगुरु के नाम की गूंज तो त्रैलोक्य में वंदनीय होती है, दो आवाज उसको। नामदेव जी ने भगवत भाव से भरकर लड़के को आवाज दी, उसके सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में प्रवेश किया, दौड़ता हुआ अंदर आया जैसे कोई नींद से जगा हो। सबने भगवान की और उन भगवत प्राप्त दोनों संतों की जय जयकार की। अब ये बात सुनकर कोई निंदक बोले कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो ऐसे संतों को शमशान में ही बिठा देना चाहिए, कोई भी आए उसको जीवित करते रहो। अरे पागल, कोई भी आए उसको जीवित करते रहें तो दुनिया कैसे चलेगी? आप सोचो अपने घर में कोई मरे ही नहीं, दादा दादी, दादी दादी, परदादी परदादी, परनानी परनानी, उसकी नानी परनानी, कोई मरे ही नहीं, सब घर पे बैठे रहे तो सोने की जगह ही नहीं मिलेगी घर पे किसी को। ईश्वर की दुनिया में जो ईश्वर करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। बापूजी सुनाते थे पहले सत्संग में एक विनोदी वार्ता की, एक आर्किटेक्ट घूमता घामता पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा और पीपल के पेड़ पर छोटे छोटे बेर जैसे फल देखकर बोला कि हे भगवान, तूने डिजाइन बनाने में भूल कर दी। छोटा सा वेला होता है, उस पर तरबूज इतना बड़ा, पंपकिन इतना बड़ा पेठा और इतना बड़ा 200 मन का पेड़, फल लगाया बेर जितना। काश मेरे जैसे आर्किटेक्ट से आइडिया लिया होता तो। ऐसा सोचते सोचते वो लेट गया, हवा चली, पीपल के पेड़ पर से फल उसकी आंख पर गिरा, आंख सूज कर लाल हो गई टमाटे जैसी। तब वो बोला कि वाह भगवान, तूने जो किया अच्छा किया, यहां तरबूज लगाया होता तो आज क्या मेरी हालत होती। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दिल्ली से एक आदमी अहमदाबाद आश्रम आया शिविर में, पहले से छुट्टी ली हुई थी पर फिर ऊपरी अधिकारी ने कहा तुम्हारी छुट्टी मंजूर नहीं होगी। अरे बोले साहब, आपने लिखित में मुझे मंजूरी की छुट्टी दी है, छुट्टी की मंजूरी दी है, आप फिर मना करते हो। मेरे भाई आए पटना से, मुझे उनको दीक्षा दिलाने जाना है, वो पहली बार मेरे साथ अहमदाबाद चल रहे हैं। बोले नहीं, कोई काम है इसलिए छुट्टी कैंसिल कर दी तुम्हारी। अरे साहब मैं तो जाऊंगा। तो नौकरी गई, भले गई, मेरी भक्ति नहीं जानी चाहिए। अहमदाबाद आए, भाइयों को दीक्षा दिलाई, फिर दिल्ली गए, उसी ऑफिस में गए, साहब ने कहा तुम्हारी नौकरी गई, जाओ दूसरी जगह काम ढूंढो। हाँ बोले ठीक है साहब, कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। तो वो घर गए, मजे से खाना खाया, सो गए। ऐसा नहीं कि दुखी हो गया, मेरी नौकरी चली गई, हाय रे मेरा क्या होगा। अरे नहीं नहीं, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, सकारात्मक नजरिया। खा के सो गए, सुबह उठकर जप किया, सोचा चलो अब आश्रम जाके आराम से, आज तो काम पे जाना नहीं है, फेरे फेरे फिरेंगे, जब ध्यान करेंगे। आश्रम गए तो उनके मोबाइल पर एक और कंपनी से फोन आया कि आप हमारे यहाँ आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। वो गए तो पहली कंपनी में 21,000 मिलता था, यहाँ 26,000 मिलने लग गया, 5,000 ज्यादा मिलने लग गया। वो मेरे को चेक दिखा रहे थे, बोले मेरे क्या घाटा पड़ा, देखो 21,000 मिलता था, यहाँ 26,000 मिल गया, क्या आफत आई, आफत टल गई उल्टा। तो नाम ये 16वीं कला है, वे नाम रूप के अधीन नहीं होते। परम नाम ओमकार में टिके, एक ओमकार सत्य नाम उसमें टिके, इसलिए अपने साधकों को भी उसी में टिकाना चाहते हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के मुख से निकला हुआ हर नाम
दीक्षा में जो बापूजी देते हैं वो कल्याणकारी होता है। तो ध्यान रखें, ऐसे गुरु से नाम लेकर सुबह 5 बजे तक जो नींद में से जाग जाता है, क्योंकि कीर्ति और लक्ष्मी के उठने का समय 5 बजे के बाद नहीं है। जो अपने जीवन में कीर्ति चाहता है और लक्ष्मी चाहता है वो 5 बजे के बाद सोए नहीं, 5 बजे के पहले पहले नींद का त्याग कर दे। पंजथी व्या सुबह जाया भाई साहब सुम्या प्यान छो बेसा रात हो देर सा सुम्या आए, हम रात को देर से सोए, लाइसेंस ले लिया हमारे। और कोई तो तबियत खराब हो तो बस कोई उठाए सुबह उठो, बोले नहीं मेरी तबियत खराब है, मानो लाइसेंस ले लिया देर तक सोने का। तबियत खराब हो तो रोज की अपेक्षा जल्दी उठे, तबियत जल्दी अच्छी हो जाएगी, गर्म पानी से नहा ले। और सरस्वती के उठने का टाइम 4 बजे के बाद नहीं है। आलसी आदमी कभी अपनी याद शक्ति बढ़ाने में सफल नहीं हो सकता, इसलिए जल्दी सुबह उठें। तो वे लोग हर क्षेत्र में सफल होते हैं, विद्या प्राप्ति में भी, धन प्राप्ति में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से, हो सके तो, अर्जी है मेरी, मर्जी है आपकी, आज गुरुदेव के इस पावन अवतरण दिवस पर कोई न कोई शुभ संकल्प करना चाहिए कि हम 10 माला रोज करते हैं तो अब 2 ज्यादा करेंगे। भगवत गीता पढ़ते हैं तो 2 श्लोक और ज्यादा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो 2 श्लोक पढ़ लिया करेंगे, ज्यादा नहीं तो 2 तो पढ़ लेंगे। रोज 5 मिनट 10 मिनट गुरुदेव की छवि को सामने रखकर 1 तक देखेंगे और फिर आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। कुछ मुद्राएं सुन ले, यौगिक मुद्राएं। एक है खेचरी मुद्रा, जीभ को अभी भी करते जाना सुनकर, जीभ को गोल करके कंठ के तरफ ले गए, खींचकर गोल राउंड करके कंठ के तरफ, कंठ के तरफ जाएगी नहीं पूरी पर जितनी खींच सके, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। ध्यान अगर इसके साथ आज्ञा चक्र में लगा दें, बंद आंखों से जहां तिलक किया जाता है उधर देखें, तो ये हो गई शांभवी मुद्रा। कर सकते हैं, अभी करके देखो, जहां तिलक किया जाता है उधर ध्यान केंद्रित करो, बंद आंखों से उधर देखो, इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। भगवान शंभू के द्वारा साधित होने के कारण ही इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। होने दो शांभवी मुद्रा का अभ्यास। अगर मन में इधर उधर के ख्याल आए तो आप 5-10 सेकंड श्वास को रोक दीजिए, ज्यादा नहीं, मात्र 5-10 सेकंड अंदाज से। श्वास को रोकोगे तो मन भी रुक जाएगा, ज्यादा देर मत रुकना, ये शांभवी मुद्रा है। और अगर ये करते समय मित्रों का कुटुंबियों का ख्याल ज्यादा है तो तुरंत भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते, मन शांत हो जाएगा तुरंत, खाली इतना बोलने से, भगवते नमः, भगवते नमः। बस में, कार में, ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो उस समय भी ये प्रयोग कर सकते हैं। मन में कोई इधर उधर का ख्याल आए, किसी वस्तु व्यक्ति का ख्याल आए, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। तुरंत शांति का संपादन शुरू हो जाएगा, ऊंची कमाई के धनी होंगे। शांभवी मुद्रा।
अगर शांभवी मुद्रा में सफलता नहीं मिल रही हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा हो, तो दोनों हाथ की हथेली इस प्रकार आंख की पलकों पर रख दें। दबाव न पड़े, आंख की पलकों को दबाना नहीं मेहरबानी करके, खाली एकदम हल्के हाथ से हाथ की हथेली आंख की पलकों को छू जाए, बस टच हो जाए, और हाथ की हथेली आंख को छुए, आप बंद आंखों से आज्ञा चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करें कि हमारी शक्ति अब बाहर नहीं बिखरेगी, हमारी शक्ति भीतर संचित होगी। हाथ भले हटा दें पर आंख न खोलें, ध्यान आज्ञा चक्र पर, शांभवी मुद्रा। ये घर पे जितना देर हो सके आप बैठे, इसमें विधि समझ गए आप। तीसरी मुद्रा है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा माने शीर्षासन। अब शीर्षासन कोई करे और गलती कर दे तो आंखों की रोशनी पर उसका बुरा असर हो सकता है, इसलिए शीर्षासन का एक दूसरा प्रकार पर्याय विपरीत करणी मुद्रा माने सर्वांग आसन कर सकते हैं। अपने आश्रम की योगासन पुस्तक में उसका फोटो भी छपा हुआ है, विधि भी लिखी हुई है। विपरीत करणी मुद्रा सर्वांगासन। चौथी मुद्रा है महामुद्रा, माने दोनों पैर सीधे कर दिए बैठे हुए, एक पैर मोड़ दिया, एक पैर सीधा। जो पैर सीधा है उसके घुटने पर अपना सिर लगाने की कोशिश की, श्वास छोड़ते हुए सिर घुटने से लगाया। एकदम सीधा लग नहीं जाएगा, थोड़े दिन लगेंगे प्रैक्टिस करने में। इसको बोलते हैं महामुद्रा। अगर घुटने तक सिर लग जाए, हाथ की हथेली से पैर का पंजा पकड़ लें, एक पैर मोड़ा हुआ है जैसे बैठते समय पैर रखते हैं मोड़कर, एक सीधा, ये अगर कोई रोज 2-3 मिनट करे ना, तो जप में ध्यान में उसको इतना आनंद आएगा कि वो खुद अनुभव कर सकेगा। ये कैसा बढ़िया ये प्रयोग, कैसी बढ़िया मुद्रा है महामुद्रा। फिर पैर बदल कर भी कर सकते हैं, जो मोड़ा था उसको सीधा कर दिया, जो सीधा था उसको मोड़ दिया, और फिर उससे घुटने से फिर सिर लगाया। तो ऐसी योगिक मुद्राएं, भूचरी मुद्रा, सामने जमीन पर दृष्टि को स्थिर कर दिया, आंखों की पलकें हिलने न दें, मन में भगवान का नाम चलता रहे, श्वास पर नजर रहे। ये सब मुद्राएं सरल सरल है पर बहुत गहराई में ले जाती है साधना की, आध्यात्मिक ऊंचाइयां जो हम छू नहीं पाए वहां तक पहुंचा देती है ये विधियां, ये प्रयोग। अभी संध्या का समय है, सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। संध्या के समय जप, ध्यान, प्राणायाम आदि करने चाहिए। हरि ओम। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, इनके चरणों में शीश झुकाए। शीश झुकाना औपचारिकता नहीं होना चाहिए कि सिर झुका दिया बस। ब्रह्मा जी ने गुरु को प्रणाम करने के 5 प्रकार बताए। विविक्त देशे, एकांत पवित्र स्थान में अपने गुरु को प्रणाम करें। मतलब क्या, गुरु अकेले हो और शिष्य अकेला हो तब प्रणाम करें? मतलब अपने भीतर कोई संसार की इच्छा न हो, ऐसा एकांत हो भीतर, ऐसे एकांत में गुरु को प्रणाम करें।
दूसरा प्रकार बताया, अपनी इंद्रियों को उनके मनमाने विषयों से खींचकर गुरु को प्रणाम करें। मतलब यूं कि गुरुदेव अब हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां संसार की ओर न जाए, हमारी इंद्रियां उनके विषयों की ओर न जाए, आंख रूप के तरफ न जाए, दृश्य के तरफ न जाए, कान बाह्य संगीत के तरफ न जाए, आंख जीव स्वाद के तरफ न जाए, नाक बाहर की सुगंध के तरफ न जाए, त्वचा स्पर्श के तरफ न जाए। निरुद्ध भक्त्या वहां से समेट कर सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या, अपनी इंद्रियों को उनको विषयों से समेट कर, समेटने का संकल्प करते हुए गुरु को प्रणाम कर। ये प्रणाम ऐसा प्रणाम जिस शिष्य का होता है, नमस्कार से रामदास, कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। महाराष्ट्र के भुसावल में एक पत्रकार ने बताया, बोले मेरी बहन आईसीयू में थी कितने दिन तक, डॉक्टर बोले कि अब नहीं बचेगी, कल सुबह तक तो इसका राम नाम सत हो जाएगा। बोले हमने घर पे श्री आशारामन के 108 पाठ की, गुरु मंत्र का जप किया, शांत बैठ के बहन के लिए संकल्प किया, जो डॉक्टर बोलते थे सुबह का सूर्योदय आपकी बहन नहीं देख पाएगी, ओ बहन सुबह के सूर्योदय होते होते तो उसकी बीमारी भागने लगी, ठीक हो गई, घर आ गई और अभी बोले सत्संग में भी आई और अभी तक ठीक है। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, इनके चरणों में शीश झुकाए, इनके दर्शन जो भी कर पाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, तो हृदय खिल जाएंगे, सुख सब मिल जाएंगे। आपने देखा है, सुना है, 14 फरवरी को हमारे देश के कई युवक युवतियां वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वेल मींस घाटी, खाई, एंड मींस एंड, और टाइम मींस नोक, कांटा। जन्म मरण की खाई में जो धकेल दे, विकार और वासना के कांटे चुभाए, उसको बोलते हैं वैलेंटाइन। हमारे देश के मनाने वाले, ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों को पता नहीं है कि 14 फरवरी को ही भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हमारे देश के उन युवाओं को जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उनको ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि इस देश के लिए, अपनी आन बान, देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद भगत सिंह को 14 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो हम अपनी देश की संस्कृति और संपत्ति को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं कि फिर पाश्चात्य कल्चर का अंधानुकरण करते हुए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाएं। फिर कार्ड पर चित्र बना होता है, दो पैसे के पान के पत्ते का, बोलते हैं ये मेरा दिल है। सचमुच जिसके दिल में कोई लड़का या लड़की बसे हुए हो, उनका दिल दो कौड़ी का पान का पत्ता ही है, पर जिनके दिल में गुरु बसे हैं, उनका दिल हृदय कमल है। पतंजलि योग दर्शन में हृदय को कमल कहा, हृदय कमल खिला हुआ ऊपर की ओर। और लक्ष्मी माता को पान के पत्ते का आसन पसंद नहीं है, लक्ष्मी माता को कमल का आसन पसंद है। कमल वासिन्य स्वा, जिसका हृदय कमल की तरह हो, जहां कोई युवक या युवती नहीं सदगुरु बसे हो, वहां संपदा बिना बुलाए चली आती है। और आपने देखा है, ये जो कार्ड पर दिल का चित्र बनाते हैं पान के पत्ते जैसा, उसमें एक तीर भी लगा हुआ दिखाते हैं। मतलब जिनके दिल में कोई लड़का या लड़की बसा हुआ है, उनके दिल में अशांति के तीर लगते ही रहते हैं, कष्टों के तीर चुभते ही रहते हैं। और जिनके दिल में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, पांडवों को मारने के लिए लाक्षाग्रह का निर्माण किया गया,
और प्रहलाद को मारने के लिए होलिका की गोद में उसको बिठाया गया लकड़ियों के ढेर पर, ताकि आग लगाएं, होलिका को वरदान है वो बच जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा। पर न प्रहलाद जले, न हनुमान जी की पूंछ जली, न पांडव जले। क्यों? कि पांडवों के दिल में भगवान बसे थे। उनका दिल पान के पत्ते जैसा नहीं था कि कोई लड़की बसी हुई हो। हनुमान जी के दिल में भी राम बसे, बार बार रघुवीर संभारी। और प्रहलाद जी के दिल में भी भगवान बसे हैं, उनका सुमरण भी करते हैं। इसलिए आग लगाने वालों ने उनको जलाकर मारना चाहा, पर न हनुमान जी जले, न प्रहलाद, न पांडव। आग लगाने वाले तब भी थे और आग लगाने वाले आज भी हैं। संत और समाज के बीच गलत फहमी की आग लगाने वाले आज भी हैं, निंदा की आग लगाने वाले आज भी हैं, पर उनको पता नहीं है कि जैसे पानी में तेल नहीं घोला जा सकता, पानी में तेल डाल तो बूंद बूंद होकर बिखर जाएगा, पर पानी और तेल एक नहीं होंगे। पानी में तेल एकाकार नहीं किया जा सकता, गंगा के पानी में आग नहीं मिलाई जा सकती और अंधेरा रोशनी में नहीं मिलाया जा सकता। उसी प्रकार साधकों के दिल में जो श्रद्धा है उसमें संशय नहीं मिलाया जा सकता, शंका नहीं मिलाई जा सकती। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, गुरु के दर पे स्वर्ग श्रद्धा से आए। भगवान ने गीता में कहा है गुरु के पास जाओ तो तीन अंतरंग साधन लेकर के जाओ, चौथे अध्याय में कहा 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रिय लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति मचिरेणादि गच्छति। तीन अंतरंग साधन, श्रद्धा, तत्परता, संयम, और तीन बहिरंग साधन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तीन बहिरंग साधन, प्रणिपात होकर जाओ, नम्र होकर जाओ, निर्णायक होकर नहीं, निष्ठावान होकर जाओ। कई लोग गुरु के पास जाते हैं तो निर्णायक होकर जाते हैं, ये बात गुरु जी को नहीं बोलनी चाहिए थी, ये बात नहीं, ये ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। निर्णायक होकर नहीं जाना, निष्ठावान होकर के जाना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है जो गुरु की वाणी श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनता है वो शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों में चला जाता है। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, इनके चरणों में शीश झुकाए, इनके चरणों में शीश झुकाए, तो पाप सारे मिट जाएंगे, ये बंधन कट जाएंगे, तो पाप सारे मिट जाएंगे, ये बंधन कट जाएंगे। इनकी शरण में सुख सारे हैं, इनकी शरण में सुख सारे हैं, गुरुवर ही भव से तारे हैं, गुरुवर ही भव से तारे हैं, इनके दर्शन जो भी कर पाए, इनके दर्शन जो भी कर पाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, तो हृदय खिल जाएंगे, तो सुख सब मिल जाएंगे, हृदय खिल जाएंगे, सुख सब मिल जाएंगे। सारी मुरा
अंधेरे हैं खुद मिट जाए, सब अंधेरे हैं खुद मिट जाए, क्लेश सब कट जाएंगे, सद्गुण बढ़ जाएंगे, क्लेश सब कट जाएंगे, सद्गुण बढ़ जाएंगे। जाएंगे कि दोष धुल
सपनों में गुरुवर आए, जिनके सपनों में गुरुवर आए, जिनकी सांसों में ये बस जाए, जिनकी सांसों में ये बस जाए, कष्ट सब मिट जाएंगे, दुखड़े कट जाएंगे, कष्ट सब जाएंगे। समता विवेक की देते पूंजी, समता विवेक की देते पूंजी, इनसे ही मिलती सुख की कुंजी, ही मिलती सुख की कुंजी, इनके नाम को दिल से जो ध्याए, इनके नाम को दिल से जो ध्याए, उससे मुक्ति का दिखाए, मुक्ति का मार्ग दिखाए, ये जीवन सच जाएंगे जो इनको भज पाएंगे, ये जीवन सच जाएंगे जो इनको भज पाएंगे। सारे मिट
इनकी शरण में सुख सारे हैं, इनकी शरण में सुख सारे हैं, गुरुवर ही भव से तारे हैं, गुरुवर ही भव से तारे हैं, इनके दर्शन जो भी कर पाए, इनके दर्शन जो भी कर पाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, तो हृदय खिल जाएंगे, के सुख सब मिल जाएंगे, तो हृदय खिल जाएंगे, तो सुख सारे मिल जाएंगे। गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का लाभ हमको अभी मिलेगा। जो दूर दूर तक खड़े हैं, थोड़ा धीरज रखेंगे तो गुरुदेव के दर्शन का लाभ उनको